खबर सामने आ रही है, नवनीत राणा और रवि राणा दोनों ही अमरावती में पहुंचे हुए हैं। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, दोनों ने वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया और फिलहाल दोनों का दर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि रात 10 बजकर जा चुके हैं और अभी भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और वो भी लाउड स्पीकर का प्रयोग करके। तो ऐसे में लाउड स्पीकर पर पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जिस तरीके का घमासान मचा हुआ है, तो राणा दंपत्ति पर एक बार फिर से कार्रवाई की तलवार लटक रही है, एक बार फिर से कार्रवाई की जा सकती है। दोनों का ही जोरदार स्वागत नवनीत राणा और रवि राणा, जिनका गढ़ माना जाता है अमरावती, दोनों का ही अमरावती में जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने फूल माला पहनाकर जय श्री राम के नारे लगाकर दोनों का स्वागत किया। और ऐसे में अगर कहा जाए तो अभी फिलहाल 11 बजकर जा चुके हैं, रात काफी हो चुकी है, हनुमान चालीसा का पाठ अब भी जारी है और वो भी लाउड स्पीकर पर। नवनीत राणा रवि राणा पर कार्रवाई भी इसलिए की गई थी क्योंकि उन्होंने मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद सी थानी हुई थी, हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था और उसके कारण काफी विवाद भी मचा था। ये फिलहाल अमरावती से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रात गए, अभी भी शक्ति प्रदर्शन जारी है, सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ जारी है। आज पहले अमरावती नागपुर पहुंची, नवनीत राणा नागपुर पहुंची हुई थी और नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ मंदिर में किया गया, हनुमान जी के मंदिर में पहले महाआरती और फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसके बाद आज 36 दिन बाद जेल से रिहा होने के 36 दिन बाद नवनीत राणा पहुंची हुई है महाराष्ट्र में, वो पहुंची हुई है और महाराष्ट्र में आते ही एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कहा है कि महाराष्ट्र का शनि दूर करने के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया जो कि बेहद जरूरी था। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा अमरावती से कि किस तरीके से इस वक्त देर रात भी भगवा शॉल ओढ़े कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ जमा हुई है, कार्यकर्ताओं का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में राणा समर्थक वहां पर उपस्थित है और दूध अभिषेक किया गया दोनों का ही और जोरदार स्वागत किया गया। देखिए तस्वीरें, चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।